अगली सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, वाराणसी की सीट, उससे हम बात कर लेते हैं। मुख्य मुकाबला हम पहले भी हालांकि इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी की और अरविंद केजरीवाल की है। और कांग्रेस की तरफ से अजय राय, जो अपने बयानबाजी को लेकर भी चुनाव के दिन फंसे, और उन्होंने जिस तरह से बैच लगाया हुआ था उसको लेकर वो बूथ में दाखिल हो गए थे, उसको लेकर भी वो फंसते हुए नजर आए। तो ये मुकाबला कैसा दिखाई देता है? और वाराणसी की सीट बहुत अहम हो जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद यहां पर से चुनावी मैदान में हैं। तो हनुमान जी, आप कैसे देख रहे हैं इस सीट को? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी पर तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कुंडली पर दोबारा चर्चा करना समय जाया करना होगा, तो उनके लिए वह दिन अनुकूल है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी पर। वृष राशि है उनकी, और उस दिन का जो गोचर है वृष राशि का वो हम देख लेते हैं। वृष राशि का जो स्वामी है वह लाभ भाव में उच्च का है, लेकिन छठे भाव में शनि और राहु जो उनका कंपटीटर है, अब यहाँ आप नरेंद्र मोदी से ना जोड़ें, आप उनके गोचर से देखेंगे जो उनका कंपटीटर है उसको साम दाम दंड भेद बखूबी आता है। वहाँ उनके जो साथी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वहाँ का माहौल बना रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल उस माहौल में सटीक नहीं उतर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि गोचर ये बता रहा है कि मेहनत करते करते वो थके हैं, खूब अच्छी खासी थकान उनको हो रही है। अजय राय की हम बात कर रहे हैं, देखिए कुंडली तो उनकी उपलब्ध नहीं है, लेकिन गोचर के अनुसार मेष राशि उस दिन की बात अगर करें अजय राय के अनुसार, तो लग्नेश अष्टम में है, यानी मेष राशि चंद्रमा अष्टम में नीच का होकर के चतुर्थेश नीच में है, अप्रिय समाचार सुनने को मिलेगा। उनके स्वास्थ्य में जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रतिकूलता दिख रही है, तो यानी तकलीफ उनको होगी तभी तो प्रतिकूलता आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी मोदी बाजी मारते नजर आ रहे हैं।